बहुत जल्द ही बना हुआ है। तो अभी भाई इसके पापा का फोन आया था कि भाई अंदर आया था, मतलब जो बाल काटने वाले अंकल है उनको कि भाई कैसे कैसे बाल काटने, तो समझा दिया है अंकल को भी। हाँ बिल्कुल चंपू बना देना है, बढ़िया शरीफ लड़का बना देना है। आवारा गद्दियाँ कर रहा है ना कॉलेज में, तो अभी देख रहा हूँ जाएंगे थोड़ी देर में अंदर, क्योंकि अंदर अभी दो तीन बंदे हैं तो उनकी कटिंग हो रही है, फिर होगी इसकी कटिंग और मैं भी थोड़े अपने हाथों से इसके बाल काटूंगा, गुस्सा लगाएंगे इसको, मजाक कर रहा हूँ। तो चलो अंदर चलते हैं थोड़ी देर में, फिर कटाते इसके बाल। और आप भी देखना क्या तो लगेगा, पहले इसकी शक्ल देख लो, शरीफ लड़के की लंबे बालों के साथ, छोटे बालों के साथ देखना आपकी शक्ल। तो गाइस अभी पार्क की साफ सफाई देख के भाई बहुत खुशी हो रही है, और इतनी बड़ी खुशबू चली है पार्क से। तो भाई बारिश देखो अंदर आ रही है, टिड्डी टिड्डी बारिश आ रही है अंदर, तो बारिश हो रही है अंदर, जाओ बाल कटाओ इसके। तो गाइस मेरा भाई नौकर आया और डिले के मेरे को लेने और भाई देखो अभी सिगरेट पी रहा है, जो सिगरेट अभी फेंक के उसने। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा दूर दूर तक जानी चाहिए। अरे भाई बस नौकर जो मेरा है, ओहो भाई बारिश तेज हो गई काफी, ओहो और तेज। अब सोच हम छाता मैंने लेके आया है, इस बात का हमें दुख हो रहा है। तो भाई इस बंदे ने भाई क्या ही जुगाड़ लगाया है, यहाँ पे हमें दो तीन बंदे मिले जो भाई प्लास्टिक के पोशाक पहन के बारिश से बचते हुए चले हैं बस स्टैंड की ओर। तो ऐसा जुगाड़ होता है हमारे हिमाचल में, देसी जुगाड़। इस कटिंग की बारी आ गई है इसकी, तो गाइस फौजी करेंगे स्टार्ट। मशरूम कटिंग है, फौजी है, कैसा लग रहा है आपको? हाय हाय वो लग रहा है तो अभी ये वाली ये गेम को उन्हें कौन ट्रस्ट नहीं दे रहा है, गेम ही चलता तो कोई ऑनलाइन
फाइनली कटिंग हो चुकी है और भाई अपना बंदा बन गया है चंपूसरी। तो भाई ये अपनी छेंगू की दुकान, ये देखो सैलून और कॉन्टैक्ट नंबर और जो की फेमस छेंगू शॉप। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल में। तो आज हम आपको तो गाइस अपना हम जूस पीने आए थे यहाँ पे मौसमी का, वो पीते हुए चलते घर, ओ ज्यादा ही लानी है। तो गाइस अभी हम चल पड़े घर की ओर और भाई यहाँ पे पीछे देख रहे हो भाई जो लगे टेंट उन्टे, भाई मेला लगने लगा है। जाओ मैं तो आगे भी ऊपर भी दुकानें लगी है, मतलब पकौड़े की दुकान लगी है और साथ में लगी है दो दुकानें और काफी जल्द हमें मेला देखने मिलेगा। तो वह सामने देख पा रहे हो आप पीला सतरपाल लगा है, वो भी मेले की दुकान है, और जो लगा है ब्लू सतरपाल वो भी मेले की दुकान है। तो हमारे गाँव में दो मेले होते हैं, एक होता है गर्मी वाला एक होता है सर्दी वाला। तो पहले मैंने मेले की वीडियो डाली होनी है अप्रैल में भी या अप्रैल या मई में, उस टाइम भी मेला लगा था। और अभी बारिश का मौसम है, ठंड आने वाली होती है, उस टाइम पे भी मेला लगता है तो भी लगने वाला है। तो जब प्रॉपर लग जाएगा मैं दिखा दूंगा, अभी पर अभी लगा नहीं है। जब लग जाएगा तो मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, बढ़िया बनाएंगे हम ड्रोन से,
स्पेशल आपके लिए। तो आगे भी बांकू की दुकान बोल, बांकू नहीं सॉरी चेले के पकौड़े के नाम से जाना जाता है उस दुकान को वैसे। तो चलो चलते ऊपर दिखाते हैं उस दुकान को आपको। और ये भाई वो पकौड़े की दुकान फेमस, और ये भाई ये घड़ी की दुकान है, हर बार यहीं पे लगती है, जाली घड़ियाँ मिलती है पर यहाँ पे बेकार सी। और यहाँ बिकी मॉस वगैरह लगते हैं, लेकिन अब भाई खेत देने बंद कर दिए, वैसे पहले बैलों का मेला होता था। तो ये है पकौड़े और जलेबी की दुकान। तो यहाँ दिखाते हैं पकौड़े, अभी तो खाए नहीं होंगे अभी। अब मेरे हिसाब से पहला दिन था इस दुकान को ओपनिंग का, या फिर दूसरा दिन। वैसे आज बारिश हुई है तो आज ठंड के वैसे बंदों ने पकौड़े खाने ही हैं। तो अब चलते हम घर, हम घर चले हैं। थोड़ी बहुत वीडियो है मेरे पास बड़ी एडिट की हुई, वो अपलोड करेंगे अभी हम।